नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर आज सुनवाई थी। दो इश्यूज थे वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक कि जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर 2023 में कानून बनाया था मोदी सरकार ने, उसकी संवैधानिकता का सवाल था। और दूसरा एक एप्लीकेशन थी जिसमें ये कहा गया था कि जो आनन फानन में हाल में अभी सुबीर सिंह संधु और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था वो कितना सही था और उसकी जो प्रक्रिया, उसका जो प्रोसीजर है वो कितना गलत था, उसको लेकर भी था। तो आज उस पर रोक नहीं लगाई किसी भी तरीके की सुप्रीम कोर्ट ने, बावजूद इसके कि कल केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का जो सिलेक्शन पैनल है उसमें कोई जुडिशियल मेंबर होना जरूरी नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए लोग हैं प्रिज्यूम किया जाता है कि वो न्यायपूर्वक ढंग से काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि ये जो पिटिशंस हैं जो इस कानून को चुनौती दे रही हैं वो पिटिशंस राजनीति से प्रेरित है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी सुनवाई की तो जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की थी और दो तीन मामले सामने आए जिसको प्रशांत भूषण, विकास सिंह, गोपाल शंकर नारायणन और सीनियर एडवोकेट संजय पारिक ने रेज किया। संजय पारिक ने तो ये कह दिया कि ये कानून एक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंत करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट था जिसको लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भी दिया गया है, अब 6 हफ्ते बाद उनको इस पर रिप्लाई देना है। लेकिन दूसरी जो बातें आई थी कि किस तरीके से केंद्र सरकार का ही बोलबाला उस इलेक्शन पैनल में रहेगा, एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस, एग्जीक्यूटिव के डोमिनेंस पर बातचीत हुई। और जस्टिस दीपांकर गुप्ता ने तो ये भी कहा साथ में कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वो सबसे बड़ा कानून है संविधान के बाद। तो उन्होंने जो प्रोसीजर था, जिस तरीके से अभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए कि आप 2 घंटे में 200 नाम आप दे देते हैं तो थोड़ा सा पारदर्शी हो सकता था, हो सकती थी सरकार, और उसकी प्रक्रिया में एक कड़ी टिप्पणी जस्टिस दीपांकर गुप्ता ने की थी। तो ये सारी बातें आज सामने आई हैं। लेकिन आज इस कोर्ट के का जो ऑब्जर्वेशन था कि भाई हम रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने नोटिस दिया, कड़ी टिप्पणी प्रोसीजर पर की, लेकिन सुखबीर सिंह संधु और ज्ञानेश कुमार के नियुक्ति पर भी रोक नहीं लगी। तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट क्या धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा है चुनाव आयोग की बात अगर हम करें, क्योंकि आज जस्टिस संजीव खन्ना ने जो जस्टिफिकेशन दिया कि उन्होंने क्यों नहीं रोक लगाई, उन्होंने कहा कि पहली बात तो जो दो चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं उनके क्रेडेंशियल्स पर कोई सवाल नहीं खड़े हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि चुनाव सिर पर है और अगर हम इस पर रोक लगाते हैं तो एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बचेगा और उससे केओस हो सकता है, यानी कि चीजें उथल पुथल हो सकती है। तो कोर्ट का जो ये एक बैलेंसिंग एक्ट इसको कहा जाए, या कोर्ट की एक अकलमंदी, या फिर जो तीसरी जो और बड़ी बात है, मुख्य बात है कि मोदी सरकार के ऊपर अभी भी चंद्रचूड़ साहब की या फिर कहे कि सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है, क्योंकि ये जो कानून केंद्र सरकार लेकर आई है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ये निरस्त भी हो सकता है। आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट संजय हेगड़े हमारे साथ हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो पहला सवाल है सर, वो यही है कि आज कोर्ट क्या बैलेंसिंग कर रहा था जहां तक चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला जो मामला है, आज सबको लग रहा है कि कोर्ट कहीं ना कहीं धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा है आफ्टर सीइंग सच अ हार्ड जजमेंट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। देखिए, ये धीमा और तेज का सवाल नहीं है, ये तो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बता रहे हैं कि सख्त जजमेंट आ गया, पर सख्त जजमेंट 6 साल के बाद तो आया ना। तो प्रक्रिया यही है कि जब कोई आता है पिटिशन लेकर तो नॉर्मली दूसरी साइड को सुन लेते हैं, और जब तक कोई बहुत जबरदस्त अर्जेंसी ना हो तब तक स्टे नहीं होता है। और ये स्टे इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है। कोर्ट ये हमेशा मान के चलती है कि जो भी पार्लियामेंट करता है या लेजिस्लेचर करता है वो जायज होता है कॉन्स्टिट्यूशनली, जब तक सुनवाई के बाद ये प्रूव नहीं होता है कि जो हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फिलहाल
उसी प्रिंसिपल पर उन्होंने स्टे देने से इनकार किया है, क्योंकि वो एक्ट, पार्लियामेंट का एक्ट तो पास हुआ था, उसके बाद उसको चुनौती दी गई है, चुनौती अपने वक्त पे सुना जाएगा। तो एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल फिलहाल तो माना जाना चाहिए, इसीलिए कोई स्टे नहीं। फिर सवाल आता है अपॉइंटमेंट्स का, वो एक प्रोसीजरल चैलेंज है। लेकिन कई लोग मिस्टर हिगडे ये भी तो कह सकते हैं ना कि 2024 के चुनाव के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दे दिया एक बार फिर से सरकार को अपनी मनमानी करने का, कि सरकार जैसे चाहे वो चुनाव आयुक्तों की उन्होंने नियुक्ति करा ली, अब चुनाव कितना फ्री एंड फेयर होगा ऐसे में, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों का सवाल करना भी जायज है, पर प्रक्रिया यही है। आपको जब मैं नया नया सुप्रीम कोर्ट में आया था 1992 में, तब बाबरी मस्जिद खड़ी थी और तभी भी कई लोगों का कहना था कि ये टूटने वाली है। तब सरकार, उस वक्त की यूपी सरकार ने कोर्ट को कह दिया था कि नहीं, ये उस ढांचा पर कोई आंच नहीं आएगा, हम हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली अपने जो सरकार कहती है उसको वैध मानती है और अपना कोई ऑर्डर नहीं देती। तो वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धांधली होने वाली है इलेक्शन, मैं ये क्या यही बता रहा हूं कि कोर्ट नॉर्मली प्रिजम्पशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, प्रिजम्पशंस ऑफ फेयरनेस पर चलती है। लेकिन आगे, जो बात इवेंट आगे जैसे चले उसके हिसाब से अगर अगर फैसला बदलना है तो बात बदला भी जा सकता है, पर इंटरिम स्टेज पे नॉर्मली स्टे नहीं होता है ऐसे में। यानी कि थोड़े दिन के लिए केंद्र सरकार को लाइफलाइन मिल गई है कि आप थोड़े दिन और मनमानी करिए, उसका लाइसेंस एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है आज। जी नहीं, मनमानी करने का लाइसेंस नहीं दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि भाई हम समझते हैं आप वैध रूप से काम करेंगे, अवैध नहीं करेंगे, और हम देख रहे हैं, और अगर आप कुछ अवैध करते हैं तब हम रोक लगा सकते हैं। लेकिन जो कानून बनाया गया, जो 2024 में पारित किया गया चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, तलवार तो उस पर अभी भी लटक रही है, वो कानून निरस्त हो सकता है मोदी सरकार पर, ये कहा जाए केंद्र सरकार पर इसकी तलवार लटक रही है, क्या ये कानून सेट असाइड किया जा सकता है? जी बिल्कुल सेट असाइड किया जा सकता है, बहुत सारे कानून हैं जो पहले स्टे नहीं होते हैं और फिर बाद में उसे अवैध भी ठहराया जा सकता है। तो बेटे कानून बना है सही है, कानून पर अभी फिलहाल रोक नहीं है सही है, और बाद में पूरी सुनवाई के बाद उसे अवैध भी ठहराया जा सकता है या उसे वैध भी ठहराया जा सकता है, तो दोनों ऑप्शंस हैं। लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट का एक कॉशियस अप्रोच कहेंगे, क्योंकि सीए के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, उन्होंने स्टे नहीं डाला, ये जानते हुए कि कितने लोग अब सिटीजनशिप को लेकर अप्लाई करेंगे, दैट इज वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ऑब्वियसली बात है कि अब चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति वाला कानून है उसके तहत ऑलरेडी प्रक्रिया हो चुकी है नियुक्ति की, और उसको भी एक तरीके से इजाजत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कि ठीक है हम आपके कानून का रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये क्या जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं, कोर्ट अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री समझ रहा है, अपनी पावर्स को समझ रहा है और ये सोच रहा है कि अभी फिलहाल समय नहीं है कि ओवरस्टेप किया जाए उस बाउंड्री को, क्या वो भी एक नजरिया है देखने का? नजरिया नहीं है, कोई प्रक्रिया है। ओके, कोई कोर्ट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, अपनी एरिया होता है, सरकार को अपना एरिया होता है और पार्लियामेंट को अपना एरिया होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जब तीनों संयम से चलते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि एक का बोलबाला है दूसरा का बोल कम, पर कभी कभार जब संविधान के तहत नहीं होता है काम या कुछ बहुत ही
ग्रोस केस होता है तो तभी सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन कर लेता है, कभी कभार इंटरिम स्टेज पर, कभी कभार फाइनल स्टेज पर। लेकिन ये अति तो हो ही गई थी सरकार की तरफ से, जो पूरी प्रक्रिया है कि इसमें कितना फेयरली चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति हुई है ये तो सबको दिख रहा है। एक लॉपसाइडेड फिगर है और पूरा डोमिनेंस जिसमें जिस सिलेक्शन पैनल में सरकार का है। तो क्या आज चुनाव की जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है संविधान में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो सबसे बड़ी देश की, आज कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक तरीके से फेल हो गया उसमें, या फिर आंखों पे पट्टी बांध ली, ये भी एक तरीका होगा लोगों के बोलने का? नहीं, शायद पट्टी बांध ली या बाणों की शैया पर सोते हुए राजधर्म का उच्चार भी करते हैं, तो ये देखने का नजरिया है। पर एक नजरिया ये भी हो सकता है, देखिए क्रिकेट का गेम होता है, अंपायर चुनने का जो हक है वो नॉर्मली होम टीम को होता है। तो अंपायर ऐसा नहीं है कि होम टीम या जो होम बोर्ड है वो कोई बिल्कुल ही वाहियात अंपायर या बिल्कुल बायस्ड अंपायर को चुनता है। अंपायर ऐसे चुना जाता है जो सारे नियम जानते हैं और एक फेयर गेम होना चाहिए। आप पिच में गड़बड़ी कभी कभार हो जाता है, अंपायर में नॉर्मली गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जब किसी को अंपायर नियुक्त किया जाता है तो ये भी मानते हैं कि उसका भी एक दायित्व बनता है फेयर गेम चलाना। वो अंग्रेजी में एक और कहावत है कि द रोब्स ऑफ ऑफिस चेंज द मैन विद इट। लेकिन मिस्टर हेगड़े, जो कल सेंटर ने जो एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में आज वाले केस में, उन्होंने तो एक तरीके से डायरेक्ट चुनौती उसमें कोर्ट को दिया है कि देखिए जो संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हैं दे आर प्रिज्यूम टू एक्ट फेयरली, इसलिए आप हमको क्वेश्चन मत करिए। दूसरा उनका प्रमाइस था कि ये जो जितने पिटिशन फाइल किए गए ये पोलिटिकली मोटिवेटेड है। तीसरा पॉइंट उनका ये था कि सिलेक्शन पैनल जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का है उसमें जुडिशियल मेंबर का होना जरूरी है ही नहीं, ये प्रमाइस सरकार का था। तो क्या एक तरीके से ये सीधी चुनौती उन्होंने सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे दी? आप कह सकते हो चुनौती दी है। वैसे मैं वकील हूं और वकील जब लिखते हैं कोई आर्गुमेंट, लिखित में जब दलील देते हैं तो पूरे के पूरे आर्गुमेंट कर देते हैं, यानी कभी कभार एक्सट्रीम पोजीशन भी डाला जाता है, और फिर जब कोर्ट में जब एक्चुअल आर्गुमेंट्स होते हैं तब मॉड्यूलेट हो जाता है, तो कोई पॉइंट को कंसीड नहीं करते हैं। और उसी लिए उन्होंने लिखा था कि भाई ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हाँ भाई, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है और जो भी चैलेंज होगा वो पॉलिटिकल भी होगा, तो ये मोटिवेशन पे वो तो सिर्फ एक कहने की पॉइंट है। फिर ये है कि जुडिशियल मेंबर होना सिलेक्शन कमेटी में वो अनिवार्य नहीं होना चाहिए। हाँ, ये एक व्यू है। आपको याद होगा जब ये सरकार आई थी तो पहली चीज उन्होंने कर दिया था एनजेएससी, जहाँ पे जजों की नियुक्ति पर जजों का भी बोलबाला नहीं होना चाहिए और कोई आउटसाइड एजेंसी होना चाहिए, तो उन्होंने कह दिया था। पर जजों पर जुडिशियरी ने उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन किया था, तो शायद वही आर्गुमेंट अभी भी ये कर रहे हैं कि हर चीज में जुडिशरी के का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि कोई शादी बगैर पंडित नहीं हो सकती, वही एक कहने का मतलब। और ये जो प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अगर कोई हाई अथॉरिटी को कोई डिसीजन दिया जाता है तो ये माना जाता है कि वो हाई अथॉरिटी फेयरली काम करेगा। जैसे कि आप बहुत सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पे होता है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये राष्ट्रपति इस मामले में कोई फैसला ना सुनाए क्योंकि ये इस पक्ष से चुने गए हैं। जब
देश के सबसे बड़े बड़े अथॉरिटीज के हाथ में जब पावर दिया जाता है, प्रिजम्पशन ये है कि वो न्यायिक तरीके से ही काम करेंगे। लेकिन आज वाली हियरिंग के बाद लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं कि नहीं, कोर्ट को और सख्त होना चाहिए था, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी लोकतंत्र को बचाने की। कुछ लोग ये भी लिख रहे थे सोशल मीडिया पर कि कोर्ट गांधारी हो गया है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर। तो क्या कहेंगे कि क्या कोर्ट का ये बैलेंसिंग एक्ट, आपने एक्सप्लेन जरूर किया, लेकिन मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस पर्टिकुलर केस को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसकी पॉलिटिकल मीनिंग निकालेंगे, उस हिसाब से लिखेंगे भी। तो आज क्या संदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो परसेप्शन है उसके परसेप्शन से अगर सोचें तो लोग यही बात कर रहे हैं कि आज चुनाव आयुक्तों के मामले में ढीला क्यों पड़ता हुआ सुप्रीम कोर्ट नजर आ रहा है और उसने ये चांस क्यों दिया केंद्र सरकार को। पुराना गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें हैं, बीत न जाए रहना। वैसे पर सुप्रीम कोर्ट हम ये नहीं मान सकते हैं कि बिल्कुल हाथ धो लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो तरीके से है कह दिया है, भाई ये जो चैलेंज है ये जारी है, आप को पता है ये चैलेंज जारी है, हमने आज माना है कि आप जो कर रहे हैं उतना असंवैधानिक नहीं है कि हम इमीडिएटली स्टे लें, पर आप जो कर जो भी आप आगे करेंगे वो देखते रहें देखेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो पूरी सुनवाई के बाद हम एक्शन ले भी सकते हैं। तो यानी कि मैं ये नहीं मानता हूं कि ये गांधारी की जैसे पट्टी बांधना है। मैं ये आप श्री कृष्ण को देखिएगा कि कभी कभार किसी के 100 खून माफ करके 101वें पे फिर तो एक्शन ले लेते हैं। यानी कि किसी भी एंगल से मोदी सरकार को इससे बरी नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तलवार अभी भी लटक रही है। जी बिल्कुल, और एन वक्त पर अगर जरूरत पड़े तो तलवार भी इस्तेमाल हो सकता है, पर वहां तक शायद न जाए सिचुएशन और शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि तलवार मैं कह रही हूँ कि अगर तलवार उठानी पड़ी तो वो तलवार क्या होगी, कानून को सेट असाइड कर दिया जाएगा, कानून निरस्त हो जाएगा। कानून निरस्त हो सकता है और जो अपॉइंटमेंट्स उसके तहत हुए हैं वो भी निरस्त हो सकते हैं। तो एक तरीके से जो अभी अपॉइंटीज है वो एक मैं प्रोबेशन नहीं कहूंगा पर वॉच तो जरूर कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच मिस्टर हेगड़े, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सर।